टुडेज कुकिंग चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तड़के वाली मूंग की दाल। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तड़के वाली मूंग की दाल बनाने के लिए हमको चाहिए 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून बटर, 1/2 चिकन क्यूब और 1 हरी मिर्च। यह मेरे पास तकरीबन 1 कप मूंग की दाल, इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में सोक कर दिया था। अब मैं दाल के अंदर ये सारा मसाला और हरी मिर्च डाल के इसको गलने तक पकाऊंगी। इस तरह से बारीक बारीक करके आप हरी मिर्च डाल दें। अच्छे से मिक्स करें। और अब मैं दाल गलने तक मैं इसको पकाऊंगी। ये आप लोग देख सकते हैं दाल बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसका बघार लगाऊंगी। जी व्यूअर्स, ये आप लोग देख सकते हैं दाल का बघार लगाने के लिए मैंने ली थी 1 छोटी प्याज और उसके अंदर मैंने डाल दिया था तकरीबन 1/4 कप घी। आप लोग इसको ऑयल से भी बघार सकते हैं। इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा, और दोबारा से इसको हल्का बस थोड़ी सी देर और से। आप लोग देख सकते हैं दाल का बघार बिल्कुल तैयार है। अब मैं दाल के ऊपर इसका तड़का लगाऊंगी। ये आप लोग देख सकते हैं दाल को मैंने बघार लगा दिया था, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये आप लोग देख सकते हैं मूंग की तड़के वाली दाल बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।